बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आलू। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके छील के लिया है। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के आलू का इस्तेमाल किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा यहाँ पे लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। से कलर बहुत ही सुंदर आता है, ये तीखा कम होता है। तो हम आलू में थोड़ा सा कर लेंगे छेद। आप चाहे तो टूथपिक से या फोक नाइफ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक आलू लीजिएगा, इस तरीके से अंदर तक डालिएगा। इस तरीके तीन चार जगह या पाँच छः जगह आप इस तरीके से कीजिएगा। इससे जो मसाले होते हैं वो आलू के अंदर तक चले जाते हैं। आप चाहे तो अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो आप इस तरीके से फोक नाइफ से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो चाकू से भी या किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे आलू को कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं सारे आलू को अच्छे से इसमें छेद कर लिए हैं। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर आलू पर एक अच्छी सी कोटिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है नमक, तो नमक भी मैंने थोड़ा सा ही डाला है यहाँ पर। और यहाँ पे डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है आलू पे और अच्छे से एक कोटिंग हो जाती है। आप चाहे तो इन आलू को डीप फ्राई या शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई करूँगी। यहाँ पर आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके ऊपर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी एक चम्मच दही। इससे जो होगा आलू के ऊपर एक क्रिस्पी सा लेयर आएगी जब हम इसको फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई करेंगे। इस तरीके से मिक्स कीजिएगा। आप चाहे तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से चम्मच से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो इसीलिए मैं हाथ से मिक्स नहीं कर रही हूँ। इसके बाद हम अपने मसाले देख लेते हैं। तो मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिया दो चम्मच दही। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला हल्दी पाउडर एक चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डेढ़ चम्मच। इससे कलर बहुत ही सुंदर आता है, यहाँ पर मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैंने डाला एक चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पर मैंने डाला तीखी वाली लाल मिर्च आधी छोटी चम्मच। और इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मसाले हैं दही में इसलिए मिक्स किए हैं कि दही में जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं और जो ग्रेवी होगी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो दही में अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो इसको हम रख देंगे साइड में। कढ़ाई में रख दी गैस पर, गैस कढ़ाई गर्म होती है। इसमें हम डालेंगे दो चम्मच तेल, तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है आलू को, तो हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई से और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो इसको हम तब तक शैलो फ्राई करेंगे जब तक कि दो सारे साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता या हल्की सी इसमें लेयर नहीं आती ब्राउन कलर की, तब तक हम इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा कि हर तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जब तक ये क्रिस्पी हो रहे हैं, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप चाहे तो एक एक करके भी पलट के भी इसको गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये 3 से 4 मिनट लगते हैं क्योंकि हमारे जो आलू है अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद इसको हम रख देंगे साइड में। इसके बाद इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को निकाल लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। सेम कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है फॉर्चून और थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल भी डाला है। इसके बाद यहाँ पे डाला है 2 तेज़पत्ता, 1 मोटी इलायची, आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग। ये सब डाल के हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाली है 2 हरी मिर्च। तो हरी मिर्च भी मैंने कट लगा के यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसके बाद हम इसको तब तक भुनेंगे जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप चाहे तो हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे भी भून सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और हाई फ्लेम पे जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम तब तक भुनेंगे जब तक हमारे जो लहसुन अदरक का जो कच्चा फ्लेवर है वो जब तक नहीं निकल जाता तब तक। इसको भी हम 1 से 2 मिनट ही भुनेंगे। तो यहाँ पे मेरे जो लहसुन अदरक है वो अच्छे से भुन चुके हैं। इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। तो
तो यहाँ पे मैंने दो टमाटर को जार में मिक्सी में पीस लिया था, यहाँ पे मैंने पेस्ट इस्तेमाल किया है टमाटर का, और इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर से सारा जो पानी है टमाटर का निकल नहीं जाता, और जब तक टमाटर तेल नहीं छोड़ देता तब तक हम इसको भून लेंगे। बीच में जो चलाते रहिएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टमाटर जो ऑयल भी छोड़ दिया, और टमाटर थोड़े से हमारे टमाटर प्याज वो थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले अपने, तो इसके अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। जो कटोरी में मसाला बच गया इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे। पहले हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप थोड़ा सा ज़्यादा जैसा आप खाते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिएगा तो मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जो हमारा कटोरी के अंदर जो मसाला रह गया था उसके अंदर, तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से इसको चला लेते हैं। चलाने के बाद इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट पका लेंगे, जब तक इसके अंदर से ऑयल नहीं निकल जाता इन मसालों के अंदर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट बाद ये जो ऑयल है छोड़ चुका है मसालों में से, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और इसे क्रश करके यहाँ पे डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने से सारे मसालों को अच्छे से बैलेंस करता है ये, तीखे का और बाकी मसालों को बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसके बाद इस पर हम डाल देंगे अपने सारे आलू को जो हमने शैलो फ्राई किए थे, और इसको चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। मिक्स करने के बाद इसको हम 2 मिनट ढक करके पकाएंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसको हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम 2 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे, इसके अंदर सारे मसाले ऑब्जर्व हो जाए। 2 मिनट बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑयल भी साइड से निकलना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने डाला 1 कप पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में ये जो ग्रेवी है थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पानी आप उसी हिसाब से डालिएगा। और इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक, या जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आया था तब तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उबाल आ चुका है और ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद गैस ऑफ कर देंगे। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर मैंने कर लिया गैस को ऑफ। चलते हैं अब इसको सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको पराठे, रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आपको मेरी दम आलू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।